हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। फिलहाल गाइस देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहा धो के एकदम क्लियर दिख रहा है। ये शर्ट भी नया है, हालांकि इस शर्ट को पिछली बार ले लिया था मैंने मई जून में, लेकिन थोड़ी गर्मी तेज़ थी तो उस टाइम पहन नहीं पाया मैं। उस टाइम एक दो बार पहना होगा, बाकी ये आज ही पहना है तो मेरे को ऐसा नया जैसा ही लग रहा है। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, शादी में। मैं आपको बता देता हूँ, वेडिंग में जा रहा हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे डेली वेडिंग में जाता रहता है तो क्या करें भाई लोग, दोस्ती है इतने तो क्या करें, अब शादी में तो जाना ही पड़ेगा। वैसे उसकी शादी 11 तारीख को हो चुकी थी, लेकिन 11 को मैं जा नहीं पाया। रीज़न उसका ये है कि हमारे गाँव में भी शादी थी, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ थी 11 तारीख को। तो मैंने उसको बोला था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उस दिन मैं जयपुर से आया था। हालांकि मेरे को जयपुर भी काम था, तो मैं जयपुर से फिर गांव गांव से यहाँ आया था। तो उसको बोला मैंने कि यार 11 तारीख को नहीं आ पाऊँगा। तो उसने बोला कि वैसे बारात का प्रोग्राम तो मतलब बारात जो फेरे वगैरह है ना, वो 11 तारीख को ले लेगा, ले लिए जाएंगे, मतलब समझ रहे होंगे आप। और खाने का प्रोग्राम है 13 तारीख को, तो 13 को तो आना ही पड़ेगा। तो बोला भाई चलो ठीक है, चलते हैं। फिर भाई को नाराज़ क्यों करे, तो 13 तारीख, आज 13 तारीख हो चुकी है, तो फिर चले वेडिंग में। थोड़ा खाने का प्रोग्राम है तो आज तो देखते हैं क्या क्या बनाया वहाँ पे, मिठाई वगैरह, और खाएंगे आराम से, मज़े से दोस्त से मिलेंगे और वार्तालाप करेंगे थोड़ी देर तक उनसे, और फिर वहाँ से हम वापस निकल जाएंगे टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है राजस्थान में, बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है गाइज, क्या ही बताएं आपको। और गाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वेडिंग व्लॉग सिस्टर वाला, और मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। एक तो माइक बोया वाला वहाँ, और ट्राईपॉड है, कैमरा है, जो भी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या टैग यूट्यूबर है तो आपको ज़रूरी है, यूट्यूब के लिए ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वहाँ से आप ऑर्डर करके अमेजोन से मंगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से हम चलते हैं वेडिंग में। थैंक यू। वैसे मैं दिन भर सो रहा था आराम से, ये मेरे बिस्तर और ये मेरा बैग है, ये हमारे मेरा जो कमरा है उसमें ये टेबल रखी है, ये अलमारी है। और फिलहाल मैं देखिए शूज़ पहन लेता हूँ, कौन से वाले पहनूँ, ये वाइट वाला पहन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और धो के रखे हैं, तो फिलहाल इनको पहन लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ। ये देखिए सामने आपको दिख जाएगा, आपको एक बार फिर से हमारी माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए कर लीजिए एक बार दर्शन, ये गमला लगा हुआ है, कूलर, हेलमेट रखा हुआ है, और ये सामने देखिए गाइज मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। जैसा कि ये वाला ट्राईपॉड, ये छोटा वाला है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसके जो ऊपर ये लगा हुआ देखिए, ये कैमरा या मोबाइल लगाने के लिए, तो ये मतलब क्या कि यहाँ से टूट गया। देखिए ये इसके अंदर रह गया था, यहाँ से ऊपर से टूट गया था, ये आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल तो गाइज आपने देख लिया होगा, ये जो वाला पहला वाला जो ट्राईपॉड था मेरे पास, ये देखिए ये टूट गया था, तो मैं नया लेके आया था, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये भी अच्छा है, ये मैंने दिल्ली से लिया था, कितना, दिल्ली से 150 रुपये में। वैसे छोटा भी है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, लेकिन 150 रुपये में वैसे दिल्ली में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, हालांकि बाकी मिलता नहीं है इतना सस्ता। तो टूट गया था, क्या करें, फिर बहुत दिल दुखा था मेरा, क्योंकि दिल्ली से लेके आया मैं, इसलिए क्योंकि मेरा दिल इसलिए ज़्यादा दुखा क्योंकि दिल्ली से लेके आया, क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की, वहीं से मैं इसे लेके आया था। पीछे देखिए गमला शानदार लुक मार रहा है ताक के अंदर, ये देखिए दोनों कि मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, और जहाँ भी जाता हूँ मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मैं देखिए इसको लेके जाता हूँ। ये मेरा सहपाठी, मेरा दोस्त, इसकी गाड़ी खड़ी है, सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ, तो समझ रहे होंगे आप। देखिए मैं किसको साथ में लेके जाता हूँ, देखिए गाइस मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इसको ज़रूर लेके जाता हूँ। तो ये देखिए अभी गुदड़े में पड़ा हुआ है, राली गुदड़ा में, समझ गया ना। ओ हाँ भाई क्या स्मार्ट लग रहा है, तो चले फिर, कहाँ चले फिर, हाँ चले, हाँ हैं ना धो के रेडी है तू। ना दो के रेडी अब देखिए ये ना धो के रेडी है, मेरे को लगता है दिन में नहा लिया इसने, तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो गाइस देखिए अभी थोड़ा टाइम में तो इसने बोला कि हम क्रिकेट खेल के आते हैं पहले, तो थोड़ी देर हम मैच खेलेंगे। वैसे मैं नहा धो के आ गया, लेकिन इसने अब देखिए जिद कर रहा है, तो फिर क्या करें, क्रिकेट हमारा फेवरेट खेल जो है, तो हम थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं ग्राउंड में और फिर यहाँ से निकलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा ग्राउंड भी दिखाऊंगा मैं आपको अंदर जाके।
देखिए ये है मेन गेट हमारा क्रिकेट स्टेडियम का, और यहाँ पे देखिए ये हमारा ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कैंप आयोजित किया जाएगा यहाँ पे, तो पंचायत में, तो यहाँ पे देखिए टेंट वगैरह लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है वहाँ पे। इसके अंदर अब टेबल कुर्सी भी, यहाँ पे देखिए हमारे गाँव के क्रिकेटर आ चुके हैं, और ये देखिए हेलो गाइज कर रहा है ये। हेलो गाइज, हाँ तो देखिए सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और फिलहाल हम क्रिकेट खेल के फिर जाने वाले हम शादी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे भरतराज, तो फिर भर तू क्रिकेट खेले फिर, ठीक है क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी देर हम, और फिर यहाँ से निकलते हैं हम। गाइस यहाँ से देखिए आप क्रिकेट का आनंद लीजिए आप भी, दिल कुछ प्ले कर रहा है। देखिए भरतराज बॉलिंग कर रहा है, और मेरे को डर वैसे एक बॉल तो मेरे ऊपर फेंक दी उसने, और देखिए दूसरी बॉल किधर फेंकता है। ओ काफ़ी अच्छा शॉट, और बॉल सीधी चार दीवारी को पार करके सीधा सिक्स रन, छः रन। मैं कर रहा हूँ कीपिंग, और मैं पीछे की तरफ लगा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ से व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ मैं। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, और देखिए पीछे एकदम पर्दा, वैसे सोच के नहीं है कि वहाँ पर्दा लगा हुआ, लेकिन देखिए पर्दा लगा हुआ है। देखिए गाइस दो बॉल में दो सिक्स मार दी है, और दो ही बार बॉल घूम चुकी है। हालांकि इस बार काफ़ी लंबा छक्का था, तो बॉल मिल नहीं पा रही है फिलहाल, देखते हैं कितनी देर में मिलती है। देखिए हमारे जो सीनियर है रामराज जी और विजय बनाओ कुछ पर्सनल वार्तालाप करते हुए, देखिए एक बार। देखिए हम क्रिकेट खेल के आ चुके हैं, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ हो चुकी है। देखिए बिल्कुल धूप नहीं है, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए सब लोग जा रहे हैं जिम में। हालांकि उसका घर अंदर की तरफ है, लेकिन खाने का प्रोग्राम इसने बाड़े में रखा है, तो यहाँ से हम जाने वाले हैं। कि गाइस कौन आ रहा है आपको थोड़ा मिलाता हूँ मैं। गाइस ये देखिए, आप इसको तो जानते होंगे, ये हालांकि व्लॉग में आता रहता है। पे एक लड़की की शादी भी है, तो उसकी बारात आ चुकी है यहाँ पे, और वैसे लड़का तो पहले ऑलरेडी फेर खा के आ चुका है, तो फिलहाल लड़की की शादी है यहाँ पे आज। गाइस इससे मिली ये कौन है आप इसको जानते होंगे, ये देखिए मिठाई लेके घूम रहा है गुलाब जामुन, ये देखिए। गाइस यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पे, हालांकि देखिए आप, और हमें भी वेट है हमारे दोस्तों का। इनसे मिली ये देखिए, ये हालांकि आपको दिखता रहता है व्लॉग के अंदर, और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और राग मार रहा है इसके अंदर। खाना खा लेते हैं हम भी, अब आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाया है यहाँ पे। गाइस फिलहाल देखिए मिठाई गुलाब जामुन तो आ चुका है, तो देखिए इस थाली में भी देख लीजिए आप, और थोड़ा और वेट है। इनसे मिलिए, ये है मतलब बींद का भाई, इनसे मिलिए आप, और वैसे क्या क्या बनाया यहाँ पे? गुलाब जामुन, मावे, चक्की, और अच्छा काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। लिए ये बहुत ही ज़्यादा नहीं मैं जानता हूँ अच्छे से। गाय जी देखिए गुलाब जामुन लेके आ गया, ये रामलाल और ये पारस भाई, और चक्की भी बनाई है मिठाई की। गुलाब जामुन रख भाई, भाइयों देखिए फोटो वगैरह क्लिक कर रहा है हमारी। देखिए भाई ने फोटो क्लिक की हमारी, और देखिए गुलाब जामुन गाइस देख रहे हैं, काफी ज्यादा टेस्टी है, और ये है मावा की चक्की। वैसे फोटो वगैरह क्लिक की हमने, मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया, और ये देखिए अबे क्या खा रहा है, ये देखिए चक्की खा रहा है। लोगों को देखिए, और ये आए आराम से, सर्दी लग रही है काफ़ी तेज, तो ओढ़ के बैठे हैं वैसे सोने की प्लान। गाइस यहाँ पे देखिए डेकोरेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है, अबे ब्लर हो रहा है बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब कर देना ना, ठीक है। हाँ भाई।
तो गाइस इनसे मिलिए, ये देखिए मेरे सहपाठी है, मेरे क्लासमेट है, और ये है सुरेंद्र भाई। क्या स्मार्ट लग रहा है यार आज तो यार। और ये देखिए सर जी से मिलिए, और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ब्रदर से मिलिए इन सबसे। और ये हमारा गाइस देखिए, हम ऑलरेडी वैसे खाना खा चुके हैं लेकिन ब्रदर आया तो इसको खाना खिलाएंगे अब। और काफ़ी अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, तो अब इनको भी खाना खिला देते हैं फिलहाल, फिर हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।